जिस खबर के ऊपर हम विश्लेषण कर रहे हैं उस खबर में देश की आन बान और शान है, और कई सारी ऐसी कहानियां हैं जब हमने इसके सहारे कई बड़ी बड़ी जीत हासिल की। और अभिनंदन आपको याद होगा क्योंकि उस तस्वीर को लेकर हर एक भारतवासी गर्व की अनुभूति आज भी करता है। वर्ष 1960 में भारत में शेवरलेट कंपनी की एक कार लॉन्च हुई थी और इस कार का नाम था इम्पाला। तब इस कार का भारत में काफी क्रेज था और ये कार तब के फिल्म सितारों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों की फ्लीट में शामिल होती थी। लेकिन अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या आप इम्पाला कार लेना चाहेंगे या रोजाना उसी से दफ्तर आना चाहेंगे, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा। और उसकी वजह है, आज कोई भी आधुनिक तकनीक और हाईफाई फीचर से लैस नई गाड़ियों को छोड़कर करीब 60 साल पुरानी गाड़ी क्यों चलाना चाहेगा, वो भी ऐसी कार जिसमें ना पावर ब्रेक थी और ना ही पावर स्टीयरिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डीएनए में इम्पाला जैसी विंटेज कार का जिक्र क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हमारे पायलट आज भी 60 के दशक में बने पुराने MiG-21 विमान उड़ा रहे हैं, और कई तरह के बदलावों के बाद भी ये मिग विमान आज के दौर के लड़ाकू विमानों से काफी पीछे है और आउटडेटेड है। और इसलिए आज MiG-21 विमानों पर हमारा यह विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि एक वक्त भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ये विमान अब जल्दी गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी और इन्हें फिर कभी भारत के आसमान में उड़ान भरते हुए नहीं देख पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार MiG-21 फाइटर जेट्स की जम्मू कश्मीर में तैनात स्क्वाड्रन को इसी महीने फेज आउट कर दिया जाएगा और स्वाड आर्म नाम की ये स्क्वाड्रन इसी महीने के अंत तक रिटायर हो जाएगी। लेकिन ये स्क्वाड्रन अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तो यही MiG-21 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। और विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 बाइसन विमान से अमेरिका के आधुनिक समझे जाने वाले F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। हालांकि उनका प्लेन भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में क्रैश हो गया था और अब ये स्क्वाड्रन कुछ दिन के ही मेहमान बचे हैं। फिलहाल अभी भारतीय वायुसेना के पास MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की 4 स्क्वाड्रन हैं, जो श्रीनगर, उत्तरलाई, सूरतगढ़ और नाल में तैनात है, और इन्हें अगले 3 वर्षों में रिटायर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। यानी वर्ष 2025 तक वायुसेना से सभी MiG-21 विमान रिटायर हो जाएंगे। और इसलिए आज ये प्रश्न भी उठता है कि आखिर भारतीय वायुसेना आज भी 60 के दशक के MiG-21 विमान क्यों उड़ा रही है, और आज हम इसी प्रश्न का डीएनए टेस्ट भी करेंगे। MiG-21 यानी मिकोयान गुरेविच 21 को सोवियत संघ ने बनाया था और इसने 16 जून 1955 को पहली बार उड़ान भरी थी, और यह दुनिया का पहला सुपरसोनिक रफ्तार वाला लड़ाकू विमान था। वर्ष 1962 के युद्ध में चीन से हार के बाद भारत को भी एक आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद भारत ने वर्ष 1963 में रूस से MiG-21 विमानों का सौदा किया और तब से ही ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ बने रहे। यही नहीं, इस विमान ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर 1999 के कारगिल युद्ध में भी देश के लिए निर्णायक भूमिका निभाई थी। हालांकि आज इंडियन एयरफोर्स MiG-21 के अपडेटेड वर्जन यानी कि MiG-21 बाइसन को इस्तेमाल करती है, और इसी वजह से इन विमानों की लड़ने की क्षमता आज भी बरकरार है और ये अचूक भी है, लेकिन सेफ्टी के मामले में इस विमान का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है, और इसलिए ये विमान अपनी उपयोगिता से ज्यादा नकारात्मक कारणों से सुर्खियों में रहता है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 तक आते आते भारत में 872 मिग विमानों के बेड़े में से लगभग आधे विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके थे, जबकि वर्ष 2003 से वर्ष 2013 के बीच यानी कि 10 वर्षों में 38 मिग 21 विमान जो है वो क्रैश हो चुके थे। और अगर आज से पिछले 10 वर्षों की बात करें तो इस समय की अवधि में लगभग 20 MiG-20 विमान जो थे वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। और महत्वपूर्ण बात ये है कि वर्ष 1970 से लेकर आज तक भारतीय वायुसेना के 180 से अधिक पायलट मिग विमानों की उड़ान के दौरान शहीद भी हो चुके हैं। इसके अलावा
इन दुर्घटनाओं में 40 नागरिकों की भी जान चली गई और इसी वजह से इन विमानों को फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़न ताबूत या वीडो मेकर भी कहा जाता है। और यही इन विमानों का सबसे नकारात्मक पहलू है और इसी को लेकर सरकारों पर भी सवाल उठते रहे। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर MiG-21 फाइटर जेट के असुरक्षित होने के बावजूद भी हमारी वायुसेना आज भी इन्हें क्यों ढो रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है लाल फीताशाही। असल में मिग विमानों के बेड़े को देश में ही बने तेजस विमानों से रिप्लेस किया जाना था और LCA तेजस के प्रोजेक्ट को वर्ष 1983 में मंजूरी मिली थी और तय प्रोग्राम के अनुसार वायुसेना को वर्ष 1994 में पहला विमान मिलना था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वर्षों की नहीं बल्कि दशकों की देरी हो गई। और इस दौरान भारत की चुनौतियां भी बढ़ती रही और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार आज भारत को अगर टू फ्रंट वॉर यानी कि एक समय में ही पाकिस्तान और चीन दोनों से युद्ध लड़ना पड़े तो उसे फाइटर एयरक्राफ्ट की कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। फाइटर जेट्स की हर स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट होते हैं और इस लिहाज से भारत को कम से कम 756 विमानों की जरूरत है, लेकिन अभी भी हम इस संख्या से काफी पीछे हैं। यही नहीं, IAF के बेड़े में मौजूद जैगवार और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भी पुराने हो रहे हैं और उनमें से कई विमान मरम्मत ना होने की वजह से हमेशा उपलब्ध भी नहीं रहते, यानी कि वो मरम्मत के लिए जाते हैं, इस वजह से उनकी उपलब्धता कम हो जाती है। और इन्हीं तमाम स्थितियों को देखते हुए भारत ने फ्रांस से राफेल की 2 स्क्वाड्रन फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदी थी और फ्लाई अवे कंडीशन का मतलब है विमान पूरी तरह से तैयार है और इसका इस्तेमाल तत्काल शुरू हो सकता है। ये सभी विमान भारत को मिल चुके हैं। इसके अलावा भारत को तेजस की 2 स्क्वाड्रन भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी अनुमान यही है कि इस साल के अंत तक भारतीय सेना के पास 28 स्क्वाड्रन ही मौजूद रहेंगी और चीन की तरफ से बढ़ रही चुनौती को देखते हुए ये संख्या काफी कम है। और इसलिए जो MiG-21 लड़ाकू विमान वर्ष में ही रिटायर कर देने थे उन्हें एक बार फिर से आज भी हमारे पायलट उड़ा रहे, यानी कि वर्षों पहले जिस MiG-21 को रिटायर कर देना था उसे आज भी भारतीय पायलटों को उड़ाना पड़ रहा है।